हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओपन चैनल फ्लो की लेक्चर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है। ये चैप्टर टू है, स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस डेप्थ रिलेशन। और इस टॉपिक में हमने डिस्कशन किया है विद कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब रिवर चैनल की अगर चौड़ाई कम हो जाएगी तो फ्लो डेप्थ पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, और बता दूं आपको, ये लास्ट लेक्चर है जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। इसके बाद पूरा ओपन चैनल फ्लो बड़ा ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। इसी टॉपिक के बाद आपका चैप्टर टू का ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो चैप्टर टू से रिलेवेंट है ईएससी में, एसएससी जेई में या फिर किसी भी एग्जाम में आए हुए, मैं सारे सॉल्व करूंगा स्पेसिफिक एनर्जी वर्सेस डेप्थ रिलेशन के। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट डाउट। ओके, सो स्टार्टिंग में मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिखाई है, उस वीडियो को ध्यान से समझें। उसके बाद मैंने एनालिटिकल पार्ट स्टार्ट किया है। एनालिटिकल पार्ट को समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पिछली वीडियो की तरह। अगर आपको इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आप इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो का लिए बनाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर टॉपिक पूरा क्लियर नहीं हुआ, हमें एक सिंपल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो मैं उसका सिंपल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी बनाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ओपन चैनल फ्लो का ये लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो में हम देखते हैं ब्रिज का मॉडल रखा जा रहा है, ब्रिज का मॉडल जिसके बीच से पानी जाएगा, मतलब यहाँ विथ घट गई है और सब क्रिटिकल फ्लो है। आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को, देखो यहाँ पर वाटर का लेवल देखो आप जरा, ठीक है, इस पॉइंट पर आपका वाटर का लेवल ज्यादा है। और जैसे ही वो ब्रिज ये वाला स्ट्रक्चर आया, इसके नीचे देखो जैसे ही वो ब्रिज के अंदर से पानी होकर जा रहा है, वाटर का लेवल गिर चुका है, वाटर का लेवल घट चुका है, देख सकते हैं। ये रनिंग वाटर है, इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि वाकई फिजिकली सब क्रिटिकल फ्लो में जब चौड़ाई कम हो जाती है रिवर की तो वाटर की डेप्थ गिरती है। इसी के बेसिस पर आज हमारा वीडियो है, इसके ऊपर ही हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? ओके, स्टार्ट कर रहे हैं अपना एनालिटिकल वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेनली अगर चैनल की विथ को कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वाटर की डेप्थ पर। ओके, तो वाटर की डेप्थ आपकी घटेगी या बढ़ेगी या कोई असर नहीं पड़ेगा, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद अगर सब क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो मतलब कम वेलोसिटी वाला फ्लो है, तो उस कंडीशन में क्या होगा और सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होगा। ओके, अगर चैनल में वाटर की डेप्थ घटेगी तो कितना घटेगी, बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, या बढ़ती ही रहेगी या घटती ही रहेगी, इस तरह के कुछ सवाल हैं जो आपको दिमाग में होने चाहिए। देखो सबसे पहले आप ये इमेजिन करो, रिवर के अंदर चैनल के अंदर चौड़ाई घटती कहां कहां है। एक पहला एग्जांपल तो मैं देता हूं, आप कभी ब्रिज देखो, ब्रिज के नीचे इतने बड़े बड़े पियर्स लगे होते हैं, अगर एक रिवर की चौड़ाई में दो या तीन ब्रिज के पियर भी लगे हों तो उस जगह पर रिवर की चौड़ाई कम हो जाती है। समझ रहे हो बात को? जैसे यहां पर एक चीज मैं छोटा सा आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, क्लियर। तो जैसे सपोज करो ये आपकी कोई रिवर है, इसकी चौड़ाई कितनी है B1। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मैंने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, क्या बनाया, ब्रिज। और इस ब्रिज के अंदर मेरे पास लेट अस सपोज एक पियर यहां है, एक पियर यहां है, एक पियर यहां है, तीन मैंने यहां पर पियर्स रखे हैं। तो आप ये देखेंगे जब पानी हो जाएगा तो यहां पर कम चौड़ाई से होकर गुजरेगा, इसका मतलब रिवर की विथ यहां पर भी कम हो चुकी है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने इस डायग्राम में दिखा रखे स्टार्टिंग के पोर्शन में बहुत ज्यादा है और बाद में ग्रीन वाले पोर्शन में कम हो चुकी है रिवर की विथ, ऐसे ही कहीं पर होगी। ऐसे भी हो सकता है जहां ब्रिज के पियर हो वहां पर भी रिवर की विथ कम हो सकती है, क्लियर। तो हम ऐसे ही कुछ सवालों का आंसर ढूंढेंगे आज की वीडियो में कि अगर रिवर की चौड़ाई किसी सेक्शन पर कम हो जाए तो उसके फ्लो की डेप्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रिज के नीचे से जब कम चौड़ाई से पानी होकर गुजरेगा उसका पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो इसी चीज को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एनालिसिस कर रहे हैं सब क्रिटिकल फ्लो की, कौन से फ्लो की एनालिसिस कर रहे हैं, सब क्रिटिकल फ्लो। तो आप सभी लोग ध्यान से फोकस करना किस तरह से मैं आपको ये लेक्चर समझाने जा रहा हूं, और इतना ध्यान रखना बड़ा आसान चीजें समझाऊंगा। पहले शुरुआत में ही मैं कुछ भारी या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। तो अगर वो आपको पॉइंट समझ आ गए तो उसके बाद फिर आप आराम से एडवांस पार्ट्स भी, मेंस के लिए न्यूमेरिकल पार्ट्स भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला पॉइंट। देखो
इस वाले डायग्राम में देखो, ये प्लान है रिवर का। प्लान का मतलब आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देखने पर ये तो आपको नजर आ रही है चौड़ाई, ये आप देख सकते हो, ये नजर आ रही है आपको विथ। तो विथ कितनी है यहां पर, बी वन, पहला सेक्शन है, सेक्शन वन वन पर रिवर की चौड़ाई कितनी है, बी वन। अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, सेक्शन टू पर क्या रिवर की चौड़ाई कम हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, सेक्शन टू पर रिवर की चौड़ाई रह चुकी है बी टू, केवल बी टू चौड़ाई रह चुकी है, क्लियर। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब सेक्शन टू पर चौड़ाई घटी है तो आपके वाटर की डेप्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, या डिस्चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? भाई देखो, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है हमें कि डिस्चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्चार्ज सेम रहेगा। अगर सेक्शन वन से क्यू आ रहा है, सेक्शन घट जाने से डिस्चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हो गया यहां पर भी क्यू डिस्चार्ज ही निकल रहा है, क्लियर। लेकिन लेकिन आप मुझे बताओ, एक टर्म होती है डिस्चार्ज पर यूनिट भी, क्या क्यू अपॉन बी, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये बताओ, अगर यहां पर क्यू वन है, क्यू वन क्या है, क्यू अपॉन बी, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ क्यू वन है सेक्शन वन पर, क्या सेक्शन टू पर भी क्यू वन ही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्चार्ज कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट है। तो आप ये सोचो ना, रिवर की चौड़ाई अगर घटेगी, रिवर की चौड़ाई अगर घटकर B2 रह गई, तो क्या Q2 आपका कांस्टेंट रहेगा? नहीं, वो हो जाएगा Q अपॉन B2। मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है, क्लियर। तो ये आपको समझना पहला तो इस पॉइंट पे जरूरी है कि जब आपके रिवर के अंदर चौड़ाई कम होती है तो डिस्चार्ज तो कांस्टेंट चला जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज पर यूनिट विथ कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्लियर। तो पहला पॉइंट दिमाग में गया, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ जो है Q2 वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, आपने ये कहा सर Q1 का वैल्यू तो हो गया कैपिटल Q अपॉन P1, क्लियर, और Q2 का वैल्यू हो गया कैपिटल Q अपॉन B2। आप ये कहेंगे सर B2 तो कम है, तो अगर B2 कम है तो Q2 ज्यादा होगा ना, क्लियर, Q2 तो ज्यादा होगा। तो यहां पर डिस्चार्ज पर यूनिट विथ बढ़ रहा है, इस डिस्चार्ज पर यूनिट विथ के बढ़ने से, ध्यान देना यहां पर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ के बढ़ने से आपके सेक्शन टू पर पानी की डेप्थ गिर जाएगी। सेक्शन टू पर आपके पानी की डेप्थ क्या हो जाएगी, कम। लेट अस सपोज सेक्शन टू पर पानी की डेप्थ वाई टू है और सेक्शन वन पर पानी की डेप्थ क्या है, वाई वन। देखो, आप दोनों डायग्राम को कोरिलेट करो, ये तो प्लान है और ये साइड में एलिवेशन प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल है, एलिवेशन प्रोफाइल। यहां पर पानी की विथ कितनी है, y1, लेकिन आपका जैसे ही विथ कम होना शुरू हुआ, देखो यहां पे विथ कम होना शुरू हो गया, यहां पर पानी की डेप्थ गिर जाती है। इसीलिए आपने हमेशा जब ब्रिज के नीचे से पानी होके गुजरता है, उसके पियर्स होके गुजरता है, तो पानी के अंदर आपने देखा होगा ऐसे गिरावट आती है पानी के लेवल में। ब्रिज के नीचे हमेशा देखना, पानी के लेवल में गिरावट आती है, क्योंकि नॉर्मल रिवर्स में सब क्रिटिकल फ्लो होता है, और सब क्रिटिकल फ्लो के अंदर जब भी आपका चौड़ाई कम होगी, पानी का लेवल गिरेगा, ध्यान रहेगी ये बात। तो यहां पर पहला पॉइंट आपका ये ध्यान रहेगा कि इफ विथ ऑफ सेक्शन, आप सेक्शन की विथ को रिड्यूस करेंगे, इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड मतलब कम करेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे होगा एलिवेशन ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ वाटर विल डिक्रीज, डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की डेप्थ विल डिक्रीज, विल डिक्रीज। लेकिन ये केवल किसके बारे में बात हो रही है, सब क्रिटिकल फ्लो के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है भाई, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल के बारे में ये बात नहीं है, सुपर क्रिटिकल के बारे में अभी आगे भी हम करेंगे, क्लियर। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड इसमें आपको ध्यान रखना क्या है, देखो पहले सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा, डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। अब आपके ये कहेंगे सर डिस्चार्ज पर यूनिट विथ के, डिस्चार्ज पर यूनिट विथ के बढ़ने से पानी की डेप्थ क्यों गिर रही है, तो इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर में, ठीक है। एनर्जी डायग्राम से वो एक्सप्लेन कर सकता हूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा भी एक हिंट दे देता हूं, लेकिन अगर आपको एनर्जी डेप्थ डायग्राम समझ नहीं आया है तो इस पोर्शन को स्किप करें। देखो जरा यहां पर एक बात सोचो, एनर्जी से भी कम हो जाए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर B2 अधिक है क्रिटिकल कंडीशन से, तो डेप्थ Y1 बनी रहेगी, सेक्शन 1 पर डेप्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा,
ठीक है, और सेक्शन टू की जो डेप्थ है वाई टू वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि हमने पीछे भी समझा है, अगर नहीं समझ पाए तो लेक्चर को एक बार और देख सकते हो। तो वाई टू विल इंक्रीज। और सेकंड केस में अगर आपकी चौड़ाई हम घटाकर, रिवर के सेक्शन की विड्थ को अगर हम घटाकर क्रिटिकल कंडीशन में ले आए, मतलब बीएम के इक्वल कर दें, तो आप ध्यान रखना सेक्शन वन पर तो डेप्थ अभी भी कॉन्स्टेंट है। देखो इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन में ये कर्व y1 देखो, जो आपकी ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बी टू इज इक्वल टू बी एम रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहां पर अभी सेक्शन वन की डेप्थ तो y1 ही बनी हुई है, लेकिन आपके सेक्शन टू पर डेप्थ देखो क्या हो चुकी है, सेक्शन टू पर जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगी yc, ये वाली डेप्थ आपकी yc हो जाएगी, जब आपकी चौड़ाई इतनी घट जाएगी कि वो क्रिटिकल कंडीशन ला सकती है, तो उस कंडीशन में y2 की वैल्यू yc के इक्वल हो जाएगी। ध्यान रहेगी ये बात, और ध्यान से देखते चलो, y2 हमेशा ज्यादा है y1 से, चाहे कुछ भी हो जाए सेक्शन वन की डेप्थ हमेशा कम रहने वाली है और सेक्शन टू की डेप्थ हमेशा ज्यादा रहने वाली है। सवाल ये उठता है, अगर हम चौड़ाई को क्रिटिकल कंडीशन की चौड़ाई से भी कम कर दें, अगर हम अपनी विड्थ को सेक्शन टू पर कम कर दें क्रिटिकल कंडीशन की विड्थ से, तो आप ये बताओ y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, यहां पर y1 की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और y2 की वैल्यू बढ़ती रहेगी, y2 की वैल्यू बढ़ती रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, y2 विल इंक्रीज। y2 यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी इंक्रीज होकर yc के इक्वल हो चुका है और उसके बाद भी बढ़ रहा है, लेकिन y1 स्टार्टिंग में कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, और जब b2 चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी क्रिटिकल से तो आप घट जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे याद करें, आप ऑब्जेक्टिव के लिए बस ये डायग्राम याद रख लो, तुम्हारा सब ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो जाएगा। इस डायग्राम को रट लेना, इस वाले डायग्राम को, पीछे वाले डायग्राम को रट लेना, तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें हर चीज है, आपके सेक्शन पर किस तरह से डेप्थ बढ़ रही है, किस तरह से विड्थ बढ़ रही है, ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, इसकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हेल्प मिलेगी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वेट करो, इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको कल मिल जाएगी।